छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले एक सूत्री मांग को लेकर कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। दुर्ग स्टेडियम में पंडाल लगाकर जमकर नारेबाजी यहां पर की गई। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के प्रांतीय आह्वान पर अपनी एक सूत्री मांग अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए नियमितीकरण की मांग को लेकर गुरुवार को दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम के सामने पंडाल लगाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठकर प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में सैकड़ों की संख्या में स्कूल सफाई कर्मचारी इकट्ठा होकर अपनी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचाने जमकर नारेबाजी की। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ जिला दुर्ग के कर्मचारियों ने बताया कि जिले भर में लगभग 1400 स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, साथ ही उन्हें स्कूल के बड़े पद पर बैठे लोगों से तिरस्कार सहने के साथ ही 2 घंटे की ड्यूटी के साथ पूरा दिन जी हजूरी करना पड़ता है, जिसके बाद भी पूरे माह भर में सिर्फ 2430 रुपए ही मानदेय मिल पाता है। इन्हीं सब बातों को लेकर समस्त स्कूल सफाई कर्मचारी अपना आक्रोश व्यक्त करते नजर आए और अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैं सरकार को आप लोगों के माध्यम से सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं, हम लोग अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं दुर्ग जिला से, और सर हम लोगों को विगत 11 साल हो गए हैं और तनख्वाह के नाम पर मात्र 2000 से 2300 रुपये दिया जाता है, वो भी किसी किसी जिला में 4 महीने 5 महीने हो जाता है। तो मैं हमारी सरकार से एक ही मांग है, अंशकालीन से पूर्णकालीन नियमितीकरण किया जाए, क्योंकि हम लोगों को विगत 11 वर्ष हो गए हैं काम करते करते, और श्री TS बाबा जी के माध्यम से जो घोषणा पत्र बनाया गया था उसमें हमारी मांगों को शामिल किया था और सरकार से वादा किया था कांग्रेस सरकार ने कि सरकार बनते ही 10 दिन के अंदर आप लोगों का पूर्णकालीन नियमितीकरण किया जाएगा। लेकिन आज कांग्रेस सरकार का 3 से 4 साल होने जा रहा है, अभी तक हमारी मांगों पर न विचार किया गया है न कुछ नहीं, और जब जाते हैं हड़ताल करते हैं या मिलने जाते हैं CM से तो हमारे लिए मात्र गुमराह करने के लिए समिति का गठित किया जाता है, न उस समिति का पता होता है न शासन के किसी रवैये का पता चलता है, और हमारे साथ बहुत छल किया जा रहा है, और कांग्रेस सरकार वादा करके इतना वादा खिलाफ भी कर रहा है कि हम आपको क्या बताएं सर। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का बहुत कृपा करेंगे। हमारी सिर्फ एक ही सूत्री मांग है, अंशकालीन से पूर्णकालीन नियमितीकरण किया जाए। हमारी मांग है कि अंशकालीन को पूर्णकालीन किया जाए और नियमितीकरण किया जाए। हम लोग 10 वर्षों से इस कार्य कर रहे हैं, लेकिन 2000 में हमारे खर्चा नहीं हो रहा है, जिससे हमारी बहुत समस्या हो रही है। और शासन से मैं यह कहना चाहती हूँ कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम इस हड़ताल पर डटे रहेंगे। मैं व्यास नारायण बंधे स्कूल सफाई कर्मचारी संघ पाटन क्षेत्र सांकरा से हूँ सर, और मैं पूर्व माध्यमिक शाला में कार्यरत हूँ। आज मेरे को 11 वर्ष हो गया काम करते, ये सोच के हम लोग काम किए थे कि आगे चल के हमारे भी बाल बच्चे का भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा, हम भी निमित्त हो जाएंगे, लेकिन आज 11 साल से हम लोग के लिए शासन कोई विचार नहीं कर रहे हैं, हमको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। हमारा 2300 रुपये देकर हमको भित्त्य पद का पूरा काम कराया जाता है, सफाई कर्मचारी को पूरा चतुर्थी श्रेणी का पूरा काम करना पड़ता है सर, लेकिन हमको 2 ही घंटा का काम है, ऐसे करके हमें शासन प्रशासन ने समय देकर हमारा दिन भर का समय खराब कर देता है, जिससे हम लोग का बाल बच्चा का पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत होती है सर। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि हाँ, जो वादा किया था कांग्रेस सरकार सत्ता में आने से पहले कि 10 दिन में हम आपको नियमित करेंगे, वो पूरा कर दे। हमारे अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी भाइयों का जो मांग है उसको पूरा करे, यही चाहते हैं, और हमको नियमित कर्मचारी का दर्जा मिले ताकि हम भी अपने छोटे छोटे बाल बच्चे का जो भविष्य है, जो पढ़ाने लिखाने का काम है, वो पूरा कर सके। ग्रैंड CN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।